आईआईटी एडवांस 2022 के पेपर के दिन सामने आई है बहुत सारी टेक्निकल एरर्स, जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है बच्चों को। व्यास सर्टिफिकेशन कोटा आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों और पेरेंट्स के रिव्यूज। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसा रहा पेपर वन और कैसा रहा पेरेंट्स का जज्बा? ऑनलाइन अगर कंडक्ट करवाने नहीं सकते तो नहीं करवाना चाहिए। फॉन्ट का साइज बहुत बड़ा था तो वो एक ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए 10 बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है तो टाइम। फॉन्ट का साइज बहुत बड़ा था, एक ही क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बार बार स्क्रॉल करना पड़ा था, ये आ रहा है एक ऑब्जर्वेशन। फीडबैक है पेरेंट्स का, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चल रहा है क्यों? बच्चों का एग्जाम जब खत्म हो गया तो बच्चे अंदर क्यों, क्या कर रहे हैं अंदर? बच्चों की जो स्क्रीन थी, स्क्रीन इन क्यों हो रही थी? ये इसी साइड पे नहीं है, दूसरी जगह भी हो रही है प्रॉब्लम। बाकी सब जगह सर्वर डाउन हो गया होगा फिर भी यहाँ चल रहा है एग्जाम, ऐसा क्यों? क्या आप लोगों के पास कोई जवाब है इस चीज का? बच्चों का पूरा साल बिगड़ रहा है, बच्चों ने मेहनत करी, उनको मतलब नर्वस वैसे ही रहते हैं और ऐसे टाइम पे मतलब बंद हो जाए कंप्यूटर, बार बार कौन करे? हम तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है व्यास एडी, आपकी आवाज हम आगे तक पहुँचाने में जरूर सहयोग कर सकते हैं जब जब भी। अगला भी पेपर है, अगर इनके पास सुविधा नहीं है या तो बुलाए किसी को ठीक करवाए। इनके पास फैसिलिटी नहीं है, काफ़ी टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं। पहले भी बच्चों ने बताया है उनका स्क्रीन कई बार लॉक हो जा रहा था और उसके बाद पेरेंट्स भी सही नहीं है, पेरेंट्स का भी ये ऑब्जर्वेशन आया है कि सिस्टम यहाँ पर ठीक नहीं है और एग्ज़ाम का टाइम खत्म हो जाने के बाद भी कुछ बच्चों को एग्ज़ाम देने दिया जा रहा है तो काफ़ी मतलब गड़बड़ियाँ चल रही हैं, इनकंसिस्टेंसी है। टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, उसमें जूम इन हो जा रहा पेपर, माउस ख़राब है, स्क्रोल डाउन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, सिस्टम बंद हो जा रहा है बहुत जन का। ये बहुत ही दुखद स्थिति हमारे सामने आई है, इस प्रकार की असुविधाएं आईआईटी जेई एडवांस के एग्ज़ाम में बच्चों को फेस करने को मिल रही हैं। अगर ये मेंस होता तो चल भी जाता, लेकिन आईआईटी बॉम्बे स्वयं इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करवाई है और कोटा के बड़े बड़े संस्थानों ने इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करवाया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर टेक्निकल एरर्स इस प्रकार से हो रही है। काफ़ी बच्चे परेशान हैं और पेरेंट्स भी परेशान हैं, उनके चेहरे पर साफ साफ नज़र आ रहा है। इस प्रकार की समस्या आ रही थी, इसका हैंग हो गया था कंप्यूटर। अरे बाप रे, इशू है कि स्क्रीन पर इनलार्ज हो गया, क्वेश्चन इतना इनलार्ज हो गया कि उसको बच्चे को पढ़ने में समय बर्बाद हुआ है, पढ़ने में दिक्कत हुआ है और बहुत सारे बच्चों को हुआ है। सुनिए, मेरे बच्चे को हुआ है, फिर मैं सर मेरा 3 बार कंप्यूटर चेंज हुआ, जो मेरा पहला कंप्यूटर था 6 बार अपने आप बंद हो गया, अपने आप खुल गया, और जब एक बार खुल रहा है तो सब रिस्पांस जीरो हो जा रहा है, फिर मुझको पुट करना पड़ रहा है। एक घंटा उसका पूरा बर्बाद हो गया, 3 बार कंप्यूटर सेट चेंज किया उसका। हमको सिर्फ 2 घंटे मिला एग्जाम देने के लिए और एक क्वेश्चन इतने बड़े बड़े और पूरा मैग्नीफाई होकर रह गया, बड़ा स्क्रीन पर बड़ा लेटर जो दिख रहा था इतना बड़ा दिख रहा था कि क्वेश्चन को पढ़ने में उसको घसकान का इतना समय लगा है बच्चों को, बच्चा परेशान है मेरा बच्चा। तो अभी आप क्या करने वाले हैं, आपके पास 2 घंटे लग, अब हमारे पास कुछ नहीं, मैं क्या करूँ, सेकंड में भी प्रॉब्लम होगा, अब वो लोग कहते हैं कि वहाँ से इशू है, अब सेकंड में भी ऐसा इशू हो सकता है। मेरे सुझाव में आपको 4-5 पेरेंट्स को जमा होकर बात करनी चाहिए मैनेजमेंट के साथ में, बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ से इशू है, लेकिन ऐसा नहीं है, उस क्लास में उस रूम में कुछ कंप्यूटर पर हुआ है ऐसा। कंप्यूटर से चेंज किया जाए तो उसका तो दिमाग भी तो नहीं चलेगा ना, 1 घंटे बाद 2 घंटे रहेगा, एडवांस के पेपर कैसे निकलेगा? सर बोल रहे थे कि मतलब स्क्रीन भी इतने सस्ते हैं कि मतलब वो पिक्सल भी सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा है, डिस्प्ले कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बंद हो रहा है, मतलब वही चल रहा है, मतलब एग्जाम तो देखे क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहे सही से। बहुत सारी डिफिकल्टी से सामना करना पड़ रहा है आईटी जी एडवांस के एस्पिरेंट्स को। हम कोटा से यहाँ शिव ज्योति स्कूल के सामने से हैं। सेंटर पर इशू है, इस तरह के प्रॉब्लम आता है जो एलियन का बच्चा आके एग्जाम देता है यहाँ हर संडे या जब भी एग्जाम होता है अपना, उसका पर्सनल एग्जाम, तो बच्चों ने पहले ही बोल रखा है कि यहाँ पर इशू है इस तरह का कंप्यूटर में, ऐसे में यहाँ पे सेंटर दे दिया ऐसे स्कूलों में ऐसे सेंटर पे। काफ़ी नाराज़ हैं यहाँ पर पेरेंट्स और ऐसा लग रहा है सिर्फ कुछ ही बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, लगभग सही बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। तो हम बच्चे वहाँ पर रो रहे हैं, सामने बैठे हुए रो रहे हैं, परेशान है वो। अभी सभी पेरेंट्स को जमा होना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं तो वेरीफाई करने इन लोगों से पूछने आया हूँ, मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, पूछने आया था कि बच्चों के क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अगर बता रहे हैं कि ऐसा है हुआ है और आपके पास अभी और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप मैनेजमेंट से बात करें, प्रयास तो करना चाहिए।
आईआईटी के पेपर में जो हुई टेक्निकल एरर्स, उसकी वजह से जो बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है और बच्चों का साल खराब हुआ है, उसका है कौन जिम्मेदार, सेंटर, आईआईटीज या फिर सरकार स्वयं? आप इस वीडियो को इतना लाइक करें और शेयर करें कि ये बात सरकार तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें व्यास एडुकेशन यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम लाने वाले हैं इसी प्रकार की सच्चाइयां एजुकेशन जगत की।